व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जब तक ये बात करती है हम भी अपनी बात कंप्लीट करते हैं। जो आज हम दोबारा काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, आज हम जो गेम खेलने जा रहे हैं वो आपको नज़र तो आ चुकी है कि आज हम दोबारा रेजिडेंट एविल 4 रीमेक का चैप्टर 3 खेलने जा रहे हैं। बहुत ही हॉरर गेम है और जो चैप्टर 2 में हमें बहुत ही ज़बरदस्त 2 दफ़ा अंडरटेकर मिला है और उसने हमें आके हमारी धज्जियाँ ही उड़ाई हैं। लेकिन अभी हमने अपने कमांडर के साथ, जो हमारे पीछे हैकर है, उसके साथ रابطہ किया है और अब हम चैप्टर 3 की तरफ जाने लगे हैं और स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेकिन अपना एक बात बताता चलूं कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने चर्च की तरफ जाना है, चर्च की तरफ मार्च करना है और हम फौरन से यहाँ से निकलते हैं। इस एरिया में हमें अंडरटेकर ने आके पकड़ा था और उसने बहुत धोया है भाई, सीधी बात है, बहुत धोया है। ओए ये क्या, ये किसी डॉग टाइप की आवाज़ है, लेकिन ये तो, ओए मैं खुद फंस गया हूँ भाई, डॉग को कैसे निकालूंगा, ये डॉग है या भेड़िया है, ये देखते हैं। ओ वुल्फ है भाई, आए ये वुल्फ है, वुल्फ को ना हम हेल्प करते हैं, वुल्फ की, वुल्फ को निकालते हैं यहाँ से और मे बी पॉसिबल है कि बाद में हमारी हेल्प करें या मे बी वैसे ही, लेकिन हमें हेल्प तो ज़रूर करनी चाहिए। उसका पाँव ज़ख्मी है, इसकी पट्टी करूँ कि नहीं। ओह ये तो भाग गया। अरे पट्टी तो करने देता बाबा, मैं बहुत रहम दिल इंसान हूँ और जबकि ज़ॉम्बीज़ के लिए एजेंट। चलें अब हम निकलते हैं। ये यहाँ पे पहले गेट नहीं खुल रहा था, अब मेरे ख्याल में जो मेरे मुझे एक चाबी मिली है ना, ये इस चाबी को लगाते हैं। चाबी बड़ी अजीब किस्म की है यार, ये हमने खोल तो लिया है लेकिन ये तो हमारा न्यू है। हमने तो चर्च की तरफ नहीं जाना, हमें पाथ वो कोई और दिखा रहा है लेकिन हम चर्च की तरफ कैसे जाएंगे। चलें चाबी लेकिन इसकी मिली है ना, लेकिन क्यों प्योर यहाँ पे कुछ नहीं अभी तक मिला। हमने प्रेसिडेंट की जो बेटी है उसकी तक अप्रोच करनी है। अभी जो हमें लास्ट अपडेट मिली है, प्रेसिडेंट की बेटी जो है ना वो चर्च में पाई गई है, लेकिन अभी तक हम दोबारा चर्च की तरफ। ये दरवाज़ा कहाँ पे, अच्छा ये दूसरी साइड से उसका डोर है, जब हम यहाँ से आए हैं ये चर्च की दूसरी साइड से है। ओके ये भी चर्च को अप्रोच कर रहा है, ये वही दरवाज़ा है जो दूसरी तरफ से ब्लॉक था, ये वही देखो चर्च वाली जगह पे हम दोबारा वापस आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा कुछ मिलेगा तो नहीं, देखा ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली हुई हैं और यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो मेरे काम का हो, इसलिए हम बाहर निकलते हैं। ये दो रास्ते हैं, ये तो ब्लॉक है, इसका मतलब यहाँ से नहीं जाना, रास्ता एक ही है हमारे पास। ये इतना बड़ा कवा है यार, ओए ये क्या गिरा, व्हाट इज दिस। अरे भाई ये तो ऐसे लगा जैसे बम के साथ किसी ने इसे उड़ा दिया है। ये क्या भाई, ये वही जंगली भेड़ी है, ज़ॉम्बीज वुल्फ आ चुके हैं। ओए ये चढ़ गया, अरे हट ना यार, तुझे तो नहीं मैं छोड़ने वाला, ये ले ये भाग, भाग में जाना अब, और कोई और भी है, और भी है, और कितने सारे हैं ये तो, अबे लग जाना, कंफ्यूज कर रहे हैं यार, और भी है और भी हैं, मुझे थोड़ी सी रनिंग करनी पड़ेगी। अरे ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं मुझे लग रहा है यार, एक मिनट आ इस स्टाइल में आ जा, तेरे भी मुंह पे मारूंगा, ले देखा ना इस स्टाइल में, वन फायर वन शॉट। अभी और तो नहीं है भाई, एनीवन कोई और है तो भाई अभी निकला, बाद में नहीं आके डराना। इसको भी मारा है मैंने, गन पाउडर मिला है यार। ये जगह जो है ना यहाँ पे, इसकी की मेरे पास अब है, पहले नहीं थी इसकी, ये वही जगह है भाई, मुझे पता चल चुका है, ये उसी जगह पे है जहाँ पे हमने फर्स्ट एपिसोड में विले से निकले थे। यहाँ पे हमें विंटाज कैंपस मिला है और मेरे ख्याल में ये भी काम सेल करने के ही आएगा। चलिए अभी दोबारा आगे चलते हैं। ये सारा एरिया तो ब्लॉक हो चुका है और चर्च ये सामने है, इसको अप्रोच करनी, लेकिन हम मैं कैसे करूँगा, ये दरवाज़ा देखता हूँ ये खुलता कि नहीं खुलता। ओए बाहर काम आ गया, ये आगे से ट्रैप भी लगा हुआ है, ट्रैप को सेट करते हैं, अगर ट्रैप को मैं ना देखता तो धमाके के साथ मैं भी उड़ जाता, बूम।
ओके ओके। ओए ये क्या? अम्मा मर जा, बस कर। हैंडगन एमो तो बहुत चाहिए मुझे। अब ये भी है। हाँ आजा। ओए ओए भैया क्या? गलत। बच गया। मैंने एंड टाइम पे सही किस्म का जो है चाकू निकाल के मारा इसको। आजा ये ले, इसका मजा ले। मजा दोबाला कर दिया। एक और स्टाइल, अब मजा आ रहा है ना। मैं चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन करूं, इसको भी खाऊं। यार मेरी पावर बहुत कम हो चुकी है, मैंने देसी अंडा खा लिया। देसी अंडे का अपना ही कमाल है। ये हम इंटर होने लगे हैं। ये चर्च की चाबी, ये भाई की लेने के लिए ही हम लोग गए थे, और चर्च की चाबी हमने हासिल कर ली है, और अब हम चर्च में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ मिलेगा खास, क्योंकि ये एरिया जो है ना, मैंने इसी एरिया के पास गए थे, और लोग जो देखा था तुम लोगों ने, कि ये क्या निकला? ये तो सांप है यार। ये ले भाड़ में जा, इसको भी उठा सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में बेचेंगे इसको। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने जो लास्ट इसमें देखा था कि जो इतने भी लोग विलेज में मेरे पे हमलावर हुए थे, उनको एक बेल की आवाज़ दी, और वो सारे के सारे इसी चर्च में गए थे, और मैं अभी उसी चर्च को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यार ये वही विलन है, इसकी तस्वीर हर जगह पे लगी हुई है। मुझे लग रहा है ये इस कमीने इंसान को पूछते हैं, और ये पुजवाना चाहता भी है, लेकिन इसको मैं तो इसका मलियामेट करूँगा। ये अपने आप को जो गॉड समझता है ना, तो इसका तो खाना ख़राब मैं करूँगा। ये देखो भाई क्या आइटमें हैं, कैसी कैसी आइटमें मुझे मिल रही हैं। फर्स्ट एड स्प्रे मुझे मिला है। अभी तक आइटम ऐसे मिल रहे हैं कि जो सिर्फ हेल्पफुल है मेरे लिए, सिर्फ थोड़े थोड़े से। तो ये सामने भी कुछ है, शॉटगन शेल्स। शॉटगन शेल्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओह आगे हमारे पास बंदा मौजूद है जिससे हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, और उसको सेल आउट भी कर सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आगे मुझे जब भी ये आता है ना बंदा, तो मुझे लगता है कि आगे कुछ खास होने वाला है। गन पाउडर मेरे पास बहुत जमा हो चुका है। ये क्या कह रहा है? तोड़ यार इसको भी, क्या करना। पहले ना इसको चीज़ें बेचते हैं। ये विंटेज कैंपस हो गया, नेकलेस हो गया, रूबी सफेद रहने देते हैं, लेकिन नेकलेस जो है वो बेचते हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि मैं नाइफ को तो रिपेयर करवाऊँ ना यार पहले। इसको भी नहीं, अमाउंट ज़्यादा है। हाँ ये हो सकता है। और इसके अलावा ये नहीं, इसकी तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ये 20,000 चाहिए मुझे, और इसके लिए 15,000 चाहिए, और इसके लिए 18,000 चाहिए। तो ये अमाउंट तो ज़्यादा है। तो इससे पहले मैं ये ना कर लूँ। हाँ ये बाकी चीज़ें सेटल डाउन करता, मैंने उसकी कैपेसिटी बढ़ा ली है। तो 9,000 मेरे पास है ड्यूरेबिलिटी, चाकू की ड्यूरेबिलिटी। ये हो गया, अब मेरे पास पैसे कम हो चुके हैं। ओके अब मुझे एक और नया रास्ता मिला है। ये रास्ता पिछली दफ़ा बिल्कुल बंद था। अब हम न्यू जगह पे जा रहे हैं, जो चर्च की बैक साइड वाला एरिया था। ये क्या? अच्छा ओके, असल में ये चर्च है। चर्च को अभी हमने अप्रोच किया, वो चर्च नहीं था। मैं समझ रहा था जहाँ पे लोग बेल बजने पे जमा हो रहे हैं, शायद वो चर्च है। ये सामने देखो, मुझे बिल्कुल आराम से जाना है इसको, ताकि शोर ना हो। अगर शोर होगा तो वो सब लोगों का ध्यान इधर आ जाएगा। आ जा ये ले, ये आया ना मज़ा। अब हम चर्च में एंटर होते हैं, और चर्च में हमें जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि चर्च में प्रेसिडेंट की बेटी को रखा गया है, और अब हम प्रेसिडेंट की बेटी से मिलने वाले हैं फर्स्ट टाइम। व्हाट हैपन? ओके, इसका मतलब है कि पीछे रब्ता करते हैं, और पीछे उससे पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लॉक ऐसा लगा हुआ है कि उसकी कोई समझ नहीं आ रही। ये सामने क्या पड़ा हुआ है? ओके, रेड जेमस्टोन रिंग हमें मिल चुकी है, और ये भी सेल आउट करने के काम आएगी। इससे हमें आ रहा पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा तो हम लोग बहुत अच्छे से वेपन और बुलेट्स ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी दाल गलने वाली नहीं है। हम आगे चलते हैं।
इधर भी कोई रास्ता नहीं है, ये एक रास्ता जा रहा है सामने, इसको फोड़ा और पैसा हासिल किया। आगे क्या है? हमने ये जो चिट्स लगी हुई हैं इसके मुताबिक तो वो बंदा इधर आना चाहिए। चलें, एलिगेंट मिल चुका है हमें, अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पे कुछ और तो नहीं मिला मुझे अभी तक स्पेशल। यार इस गली में से भी हो लिया है, पीछे भी बंद है। ये दरवाज़ा मुझे नज़र नहीं आया था, ये दरवाज़ा सही है। इस डोर में हम अब देखते हैं कि आप बेस्ट ऑफ आउटसाइड, ये भी कुछ जरासीमों के बारे में है। यहाँ पे हम अपनी क्रॉस द लेक का कोई ऑप्शन है। वो यही है, वो प्रेसिडेंट की कीप हर लॉक्ड। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट बेटी का ताल्लुक यहाँ पे है। ये अंडरग्राउंड एरिया है, अंडरग्राउंड सेटअप में चलते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि टनल्स हों और मे बी कि उसकी बेटी को यहीं पे रखा हो, और ये मे बी ये भी हो सकता है कि टनल्स में जो चर्च का रास्ता है ना, वो टनल में जाता हो। लेकिन ये तो एकदम सारा चेंज हो चुका है यहाँ पे। ये अच्छा, ये दरवाज़ा बंद था वहाँ से, तो हम ये वाला दरवाज़ा अभी अंडरग्राउंड तरीके से खुला है। ठीक है, हम अभी रेडी हैं जाने के लिए। LAGO लैगो, पता नहीं लगो या लगो लागो, चलें कुछ भी है, हम आगे चलते हैं। ओ कम ऑन, ज़ॉम्बीज मिल गए, आजा आजा बुड्ढे आजा। पता है तुम लोगों को शर्म ही आती, ज़ॉम्बीज गया अपनी ही आग में खुद जल गया। ये बंदा भी आ रहा है, और ये भी आजा 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 बच्चे आजा। ओए बुलेट, ओए वो भाग पड़ा मेरे ख्याल में, भाग पड़ा, मुझे भागना पड़ेगा। लोड कर ले बाबा, लोड कर, अब लोड हो गए, अब आजा 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 आजा, मैं आ रहा हूँ एक मिनट, सब्र कर दो। ये आह, ओए कुल्हाड़ी मारने लगा था। चलो ये भी ख़त्म हो गया, ये ले, उठना नहीं है। वो बुढ़ा फिर आ रहा है, ये ले, अब मज़ा आया ना, पूरा टैंकी उड़ा दिया। अबे मेरे को भी चोट काफ़ी लगी है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ काफ़ी गन पाउडर मिल चुका है। और इधर ये क्या है, ओए ये भी इसने, यार ये क्या चीज़ है यार, एक मिनट, बस दो फायर, कहाँ गया वाइपर, कहाँ पे गया, आ जा, ओए लग जा, चल भाड़ में जा, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है, इसमें भी पैसा ही पड़ा है। अभी और कोई भी लोग आ गए, किसी ने कुछ फेंका है, इसका मतलब है किसी के पास थ्रोइंग बम है। मुझे देखना पड़ेगा आए कहाँ से हैं, लेकिन दो है, एक लड़की है एक लड़के है, मतलब एक ज़ॉम्बीज मेल है और एक ज़ॉम्बीज फीमेल है। ये इस तरफ आ रहा है, आह अम्मा तो आ गई, बस ये ले, अब आया ना मज़ा, ऊंट पहाड़ को फिर फेंक रहा, कोई अभी भी फेंक रहा है। ओ शिट 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 शिट, इस आग को बुझने दो, ये आग बुझती है ना तो मैं इनका, वही कोई और अभी भी लड़की है, कहाँ पे मार रही है यार। अरे 2200 एक मिनट, इसका नीचे वाले का तो मैं बंदोबस्त करूँ ना, बाकियों को देखता मैं। आ जा, दिस इज फंटास्टिक। मेरे ख्याल में ऊपर चढ़ के आ रही है, कहाँ पे, आ जा, परकीजो बाहर में जा, परकीजो। चलो ये वाला एरिया तो क्लियर हो चुका है। एफ ड्रॉप डाउन, ओके ड्रॉप डाउन चलते हैं। आगे से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आ जा, ओए ओए भागना नहीं, रनिंग नहीं करनी, आ जा, एक इसको, ए वाह वाड़े बाबा वाह, मज़ा आया ना, मज़ा थी क्यों ना, बहुत मज़ा आया है, मेरे कहने का मतलब ये है। आगे से पीछे से कहां से आ रहे हैं, ये फंटास्टिक, दिस इज अ वेरी फंटास्टिक शॉट फ्रॉम लियोन। अरे भाई तुम लोगों का जो पाला पड़ा है ना, बड़े गलत बंदे से पड़ा है, लियोन तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, और वो उस परी को लेके जाएगा। परी है भी कि नहीं, पारल
चलो बोल देते हैं प्रेसिडेंट की बेटी जो हुई। आगे फिर ट्रैप है, इसको लाजमी डी ट्रैप करना है, नहीं तो हम उड़ जाएंगे बम के साथ। चलें, ये डी ट्रैप हो चुका है। इसके साथ एक ख़ास किस्म का फासला रखने के बाद जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ता है। आगे कुछ और भी है, इतना बड़ा हथौड़ा था यार, इतना बड़ा हथौड़ा कौन रखता है अपने पास? अभी भी कवों की, ये कवों की बहुत आवाज़, देखा मैंने वही कहा ना कवों की आवाज़ आ रही है और सामने मुझे कवे सारे नज़र आ गए। ओ ये भेड़िया वही है, वुल्फ वही है, जंगली ज़ॉम्बीज़ वुल्फ। और भी है, मुझे और भी आवाज़ आई है, एक ये आ रहा है देखा। ओ वन शॉट, वन हेड शॉट, बेहतरीन है यार। यार किसी के मुझे सोने की आवाज़ आ रही है, अब ये कौन है ये नहीं पता, लेकिन सोने की आवाज तो आ रही है। ये बंद है, ये एरिया तो बंद है, ये भी बंद है। मेरे ख्याल में मुझे आगे निकलना पड़ेगा, ये सारे एरियाज बंद हैं और यही एक रास्ता है जो खुला है और यही राइट रास्ता होगा। ये क्या पड़ा हुआ है सामने? इसके लिए ये चाबी, हाँ ये भी नहीं लगेगी, इसका मतलब इसके लिए और स्पेशल चीज़ या चाबी मुझे मिल लेगी, उसके साथ मुझे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ आकर लेनी है। ये भी बंद है एरिया, और ये लाइट जो है ना बता रही है कि आगे वही बंदा है जिसको हमने चीज़ें सेल आउट करनी होती हैं। वे नज़र आ जाना यार, ये बैठा हुआ है। हेलो मिस्टर, अब हम कुछ चीज़ें इसको बेचते हैं, उस टाइम ये भी बेचते हैं, एलिगेंट रेड जेमस्टोन, वेलवेट ब्लू भी ठीक है मेरे ख्याल में, इसको भी कर देते हैं। और ऑर्नेट नेकलेस, यार मेरा दिल कर रहा है इसको भी बेच दूं यार, मुझे ना इतना टाइम नहीं, अब मेरे पास जो है ना 53,000 हो चुका है। और गन लूँ या उसको, अब मैं कहता हूँ अपग्रेड करता हूँ, ये खंजर अभी तक तो सेटिंग पोजिशन में है, ये अपग्रेड किया, अभी इसको करते हैं बिल्कुल, इसको भी या आगे वाली को, दोनों में से एक कर देते हैं, ये वाली ठीक है। अब मेरे पास पैसा बिल्कुल फिर ख़त्म हो गया है। ओ वाओ, रॉकेट लॉन्चर था यार, क्या चीज़ है। हेक्सागोन पीस ए, इसका मतलब हेक्सागोन के पीस बहुत सारे होंगे, अगर ये इसके साथ ए लिखा है ना तो इसका मतलब है और हेक्सागोन के पीसीज होंगे। बड़ी बात है कि हम दिन के अंधेरे, मतलब दिन में अंधेरे में थे और फिर अब दिन में रोशनी में आ चुके, ये क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये कोई दोनों बंदे आपस में बात कर रहे हैं और ये है ज़ॉम्बीज़ हैं, क्योंकि इनका जो तरीकाकार है ना और इनका जो वज़ाकता है वो बिल्कुल, ये क्या, ये तो उसी पुलिस वाले को फेंक रहे हैं जो मेरे साथ आए थे, लेकिन इधर इन्होंने फेंका क्यों है, ये तो खुद खाते हैं। ये क्या, ये वाला पड़ा हुआ है, ओ ये क्या था, व्हाट इज दिस, ये बहुत खतरनाक चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी यार, कोई समझ नहीं आई। आई थिंक सो वाटर मॉन्स्टर, या आई थिंक सो क्या कहना चाहिए इसको, गॉडज़िला टाइप कोई चीज़ थी। चलें अभी मेरे ख्याल में मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन में आ रहा है वो यही जगह है कि हम बिल्कुल राइट जगह पे पहुंचे हैं। ओके, इसका मतलब है कि टैंक जो है ना उसका बिल्कुल खाली और हमें फ्यूल के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। चलें अभी निकलते हैं आगे, अब मैं पीछे जाने वाला तो नहीं हूँ, मैं आगे निकलूँगा ताकि वो मैं फ्यूल डलवा सकूँ उस टैंकी में, और फिर उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि मैं चिड़िया के साथ, वाटर मॉन्स्टर के साथ, या जो भी कह लो उसके साथ, अभी मेरे पास सामने नहीं आया, लेकिन सामने जैसे ही आएगा मैं उस मॉन्स्टर के साथ लड़ूंगा ज़रूर, मुझे जो नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं सारी बुलेट्स और हर चीज़ रेडी कर लूँ ताकि उसके साथ अच्छी सी फाइट हो सके और वो दोबारा ये ना कहे कि यार इतनी बुरी फाइट की है। देखें चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी है, उन चीज़ों को वहीं छोड़ते हैं, आगे निकलते हैं और अगले सफ़र पर निकलते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए मुझे।
जो रास्ते में मिलेंगी वो तो देखूंगा मैं। द बोट बोट फ्यूल, देखा बोट फ्यूल का ही इशू लग रहा है मुझे। आगे मैंने रास्ता तो देखा है, इसी तरफ बिल्कुल हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर से आगे। हाँ ये ऊपर वाले एरिया को जो ना इसको पहले लेंगे और उसके बाद ये फ्यूल वहाँ से हो, आई थिंक सो कि फ्यूल का कुछ मिलेगा वहाँ से, फ्यूल का कुछ लेकर और फ्यूल वाली जगह पे डालेंगे आके। गुड हो गया, अभी तक तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस? अबे गिर गया, लेकिन लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आना शुरू हो गई, लेकिन अब तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे हो सकता है गन्स बड़ी निकालनी पड़े या कुछ। अबे हथौड़े वाला भाई आ गया, एक मिनट, ये इसकी पावर मैंने अब की हुई है ना, ये ले। ओए ओए जल्दी लोड 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 लोड, ये तो भागेगा, ये तो अभी भागेगा। लोड कर लोड कर लोड कर, आया आया। ओनली टू फायर्स, वाह यार गन में पावर तो है। कोई और भी आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम सबको ना, ओए मारना नहीं, उधर से नहीं मार रहा यार, ये मजाक है, तुझे अब नहीं छोड़ने वाला, चल जा 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 जा, जा। आ जा बस, ये तो एक ही फायर से गई, ये भी एक फायर से गया। यार क्या गन बनाई है मैंने यार, इसको ट्यून अप करके अपग्रेड करके मैंने बहुत अच्छा किया, बेहतरीन आवाज़। आ जाए आ जाए आ जाए, तू भी आ बुढ़े, अब तो है दूर, नहीं तो मैं तुझे फ्लैंक किक लगाता। चलें अभी, मुझे फ्यूल के लिए अभी तक तो कोई चीज़ ख़ास नज़र नहीं आई कि फ्यूल के लिए मैं ले सकूं। अभी मुझे वाइपर की आवाज़ आई है, वाइपर मीन कि जो स्नेक है। मैं सबसे पहले ऊपर चलता हूँ, ऊपर से व्यू देखता हूँ कि शायद मुझे वहाँ से कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए या ऊपर से मिल जाए। कोई भी जगह खाली छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैं उसी, ये वाला एरिया तो सारा वही है कि मैं यहाँ से वापसी जाने वाला, ये यहाँ से वापसी जाने वाला सारा एरिया, इसका मतलब ये जगह नहीं सही। मैं चलें वापस चलते हैं, उतरते हैं सीढ़ियों से और फिर वही सेम चीज़ ढूंढते हैं। जब बंदे कम हैं मेरे ख्याल में, तो कोई नज़र ख़ास नहीं आया। गुड हो गया, एमओ मुझे बहुत अच्छे तरीके से चाहिए था, लेकिन ये तो राइफल एमओ है, मुझे तो दूसरा एमओ चाहिए। चले कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अभी 41, 12, 53 के पास मेरे पास बुलेट्स हैं। ओ ये क्या ऊपर से आ रहा है भाई, इधर से ही मारूंगा मैं अभी। दो से फारिग, एक क्या किसकी आवाज़ आई है यार। कौन आ रहा है यहाँ पे? दो चीज़ें, एक तो आवाज़ें हैं और दूसरा ये ट्रैप में है। इधर से तो नहीं कोई आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी तक तो नज़र नहीं आया। ओह ये सही किया मैंने, जगह बनाई है, जगह बना के बहुत ज़बरदस्त किया है। आजा भाई आप भी आजा, गुड गुड, ये भी आ। ओ तेरी, अबे फायर ही नहीं लगा मुझसे, ये तो उसने मारना था ना यार। आजा ये भी आ, ये भी आ, ये भी आ, चलो फारिग हो गए सारे। अब कोई रह तो नहीं गया, लेकिन अब तक मुझे फ्यूल नहीं मिला, लेकिन आवाज़ें लोगों की अभी भी आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। आजा बुढ़े, आजा 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 आजा, जल्दी कर जा बुढ़े, आ बुढ़े आप भी आ जाओ, अम्मा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ ये क्या, टेडी गर्दन वाला आ गया, इसको नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं, हाँ मर गया अब ठीक है। यार टेडी गर्दन वाला नहीं आना चाहिए यार, उसका बहुत मसला है। आजा आजा तो भाग के भाग के, ये ले ये टांग जो पड़ी है ना, मज़ा आ गया इसको, इसी का मैं वेट कर रहा था कोई अच्छी सी टांग मिले इनको। आगे फिर टीं टीं की आवाज़, या ये टीं टीं बहुत ज़्यादा है, चलें इसको भी डिसेबल कर देते हैं। गुड हो गया, ये वाला एरिया तो सारा बंद है, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ों को सेटल ऑन कर लूँ। हैंडगन का एमओ चाहिए मुझे,
लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। वेयर इज, यहाँ से मेरे ख्याल में मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। ये सामने का रास्ता तो नज़र आ रहा है मुझे, यहीं से चलते हैं। अबे ये भी बात, जो इस तरह के तालों में लगे ना वो तो, ये कैन मुझे मिल चुका है। बोट फ्यूल भाई, बोट फ्यूल मिल चुका है, ऑब्टेन बोट फ्यूल हो चुका है। ये वाला टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद जो अभी नेक्स्ट है, अभी मेरे ख्याल में बोट में ऑयल डालना है, ये सबसे बेस्ट है। चलें निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है, ये कहीं हमारे हमें सरप्राइज़ ना मिल जाए। यहाँ पे खड़े हैं अपने, हमने दूसरी जगह पे जाना है, चले जाएंगे, रास्ता तो मुझे पता है सारा। अभी थोड़ी यहाँ से ना मुझे देखना पड़ेगा। ये बेहतरीन सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, अब चढ़ लिए। तोड़ के चीज़ें तो सारी लेनी है, कोई ऐसी जगह छोड़नी नहीं है कि तोड़ने के बगैर अगर हमें मिल जाए। अबे बच गया बच गया, अभी बम से बचाऊँ, नहीं तो अभी उड़ने वाला था मैं भाई, बहुत खतरनाक है काम। यहाँ से नीचे गिरे, आवाज़ें आ रही लोगों की, लेकिन आवाज़ें कहाँ से आ रही है ये देखना पड़ेगा। ये सामने है, आ जा भी आ जा तू। नहीं लगी, अब लगी, दो गोलियाँ सही लगी हैं अभी। और कहाँ से आवाज़ आ रही है, समझ क्यों नहीं आ रहा, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है या उधर से आ रही है। अबे ये दोबारा उठ गया, और टेढ़ी गर्दन वाला, इसने अब बहुत सारी गोली लेनी है। आजा आजा अम्मा, आजा आजा। ओ तेरी, बच गया मैं, क्या एंड टाइम पे ना, एंड टाइम पे फायर मारा है, और उसको फ्लाइंग किक मिल गई है, वाह। ये ओ तेरी, क्या निशान है यार। चलो अभी नीचे उतरते हैं, अपनी मंजिल की तरफ वापस चलते हैं, क्योंकि कैन हम लोगों ने ले लिया है। नीचे आना, नीचे आ, नीचे आया यार, एक शॉट से ना वो बिल्कुल नीचे आ गया। गुड हो गया, अभी मेरे ख्याल में मुझे वापस चलना चाहिए। मुझे अभी रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, रास्ता किस रास्ते की तरफ चलूं मैं, रास्ता बिल्कुल ही नजर आ रहा है यार। कोई आवाज आ रही किसी की, ये आ गया, ये आ गया। ओ बाबा, ओए तेरी, उफ शिट, ये ले, ए अब जा, अब दोबारा जो है ना नाम नहीं लेना। चलें अब ठीक है, वो सामने क्या आ रहा है, आ जा आ जा आ जा, जा। एक दो तीन, यार इसको 2x5 शायद हो सकता है, कुछ अच्छी सी चीज मिली जाए। यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ, हाँ यहाँ से मुझे रास्ता एक था मेरे पास, मुझे अभी याद आ रहा है कि रास्ता एक मेरे पास था। यहाँ से हम नीचे चलते हैं और जल्दी से फ्यूल डालते हैं हमारी किश्ती में, किश्ती में फ्यूल डाल के हम, मे भी मुझे लग रहा है कि हमें फाइट करनी पड़ेगी वाटर मॉन्स्टर के साथ। तो गाइस आंखें खुली करके हेडफोन लगा के बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी हम, मुझे यकीन है कि हम वाटर मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो चीज़ें नहीं है यार, ये कमरे में मेरे ख्याल में वो इस जड़ी बूटी के चक्कर में, इसको उठाने के चक्करों में है। कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है, ये पड़ी हुई है। अभी इसका स्पेस का इशू बनेगा, इसको रखें कहाँ पे। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कार्ड इसको कर सकते हैं, घुमा, ये बेहतरीन हो गया। चलें ये वाला मसला तो बेहतरीन हो गया, बाकी क्राफ्ट इसको नहीं, इसके लिए भी ज़्यादा चाहिए। गन पाउडर जो है ना वो बिल्कुल काम है, सिर्फ तीसरे लेवल का जो है ना वो गन पाउडर है।
वो तो बहुत थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा थोड़ा होता है। ओके रेडी नाउ। ये हम लोगों ने ऑयल इसमें अंडेल दिया है, गुड हो गया। रेडी नाउ फाइट विद मॉन्स्टर। अब देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे ख्याल में कोई सेंटर में जाके वो पकड़ लेगी। और ये क्या, वो पकड़ी या नहीं पकड़ी, इसका मतलब ये थीम ये है कि वो सोएगी। अबे चल पड़ना यार। ये क्या हलचल हुई भाई, भाई हलचल हुई, ये राइट साइड पे हुई। ओए होए भाई, पानी के बीचों बीच पोर्ट खराब हो चुकी है, और हमें पता कि यहाँ पे एक वाटर मॉन्स्टर भी है भाई। लेवल है भाई लेवल। ओ ये क्या, ये क्या, ओए बचत होगी बचत होगी बचत होगी। ओए उसने खींच लिया मुझे, एक साल में वो, हाँ खींच लिया उसने, खींच लिया। मुझे संभलना पड़ेगा, मुझे जो अपनी कश्ती है ना इसको अभी ख्याल रखना पड़ेगा। ये लगा इसका, ये हारपून फिर लगा, हारपून फिर लगेगा, तीन हारपून लगे, गुड यार। ओ कोई बात नहीं, नहीं आ ये असल निशाना तो ये लगा है ना, अभी कहीं का वो इतनी। अरे शिट शिट शिट, मुझे टाइम से उसको मारना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। कहाँ पे गई है, अरे बाहर निकलना यार। ओए होए होए शिट शिट भाई, कहाँ गई कहाँ गई, मॉन्स्टर वेयर आर यू यार। मॉन्स्टर ये आया, ये नज़र आया, चलो नज़र तो आया ना, बाकी बातें बाद में है, नजर आना चाहिए। मार 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 मार, ये इसने, ओ तेरी, बिल्कुल लैंड टाइम पे आके खाने आ गई, गुड यार। भाड़ में जा भाई, क्या हमें तंग कर रही है। ओहो मेरी जो है ना वो इस्ते का जो पानी है ना बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है। ओए होए होए अरे फिर आई फिर आई, बाहर कितनी पावर रह गई है, बिल्कुल मामूली से थोड़ी सी पावर रह गई है। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि पावर बहुत थोड़ी रह चुकी है। अब सही लगा है, अबे बस करना, मान जाना यार वेर मछली। कहाँ पे गया कहाँ पे गया कहाँ पे गया भाई, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो थोड़ा सा भी चांस दिया ना तो पॉसिंग हो जाएगी। अबे गिर गए, व्हाट इज दिस, अरे इसका मतलब है कि हम गिरे नहीं, गिराया गया है। ओहो चलें दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा यहीं से मॉन्स्टर वाली जगह से ये हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट कर लिया है जी। अब तो मैं ना मारता रहूँगा इसको, नज़र आए या ना आए, लेकिन अच्छे तरीके से मारता रहूँगा आगे की तरफ। मर जा मर जा मर जा मर जा, ये हुई ना बात। ओए मार जल्दी, अरे मैं हर दफ़ा लेट क्यों जाता हूँ यार, ये लेट नहीं होना चाहिए था मुझे, मुझे उसको हिट कर देना चाहिए था। शिट यार एक चांस ज़ाया किए ना फिर दोबारा। काम अरे लग जाना, काम ऐसा है कि घुमा घुमा के देना पड़ेगा। अबे कहाँ गई, ये आ गई ये आ गई ये आ गई मॉन्स्टर। इस दफ़ा तो मैंने तेरे छलनी छलनी किया है, आगे आना थोड़ा सा थोड़ा सा आगे आगे आगे। ये ले बाड़ में जा भाई, तू बाड़ में जा, अब तो तेरे मुंह के अंदर घुसाऊंगा, अंदर घुसा के लेके जाऊंगा।
बहुत तंग किया। एक तो मैंने काम किया किराने वाला सारा। आजा फेरा फेरा आए। ओए बच गए बच गए। फिर अभी भी नहीं लगा यार निशाना कहाँ पे जा रहा है, नहीं तो ये तो ले जाएगी मुझे दोबारा फिर खाने के लिए आएगी। ये लगा अभी है, अभी मस्त लगा मस्त लगा। ओ भाई ओ हो अभी भी मज़े का नहीं लगा यार, लेकिन बचत होगी 50-50% क्योंकि पावर मेरी बहुत डैमेज हुई है। आधी जो है ना बोट की पावर जा चुकी है और आधी मेरे पास है, और इसी आधी में मैंने इसको ख़त्म करना है हर सूरत में। लेकिन वो बहुत चलाक है, बहुत ज़्यादा चलाक है। फिर आएगी, फिर गायब होगी, फिर गायब होगी। ये अपना ये कहा, ओए लग जाना यार, ये लगाना, फिर लगा। ओए होए अंदर चलेगी अंडरग्राउंड। अब फिर रेडी होना पड़ेगा, किस तरफ से आती है ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये आई ये जा रही, ये जा रही। आजा 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 आजा। ये यहाँ से भी निकला यार, बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। अभी कहाँ से निकलेगा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये आ रही है, हिट 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 हिट। ये बेहतरीन लगा यार, मज़ा आ गया मज़ा। अब तो बेहतरीन है यार, बहुत बेहतरीन लगा है। ओए बच गए। अरे फिर उसने मुझे दूसरी तरफ उल्टा के मारा है। लेकिन आजा तुझे नहीं छोड़ने वाला। कहाँ कहाँ है, बाहर निकल बाहर निकल। ये लगा सही, ज़बरदस्त लगा। एक और एक और, मुझे लग रहा है कि ये मरने वाली है क्योंकि हम पहले वाली से आगे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे, और मेरी पावर अभी भी आधी पड़ी हुई है बोट की। एक और एक और एक और एक और। ये गुड गुड। ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस यार, मैं तो उसको मार रहा हूँ या वो मुझे मार रही है। भाई गुस्सा तो निकलेगा ये। अरे मेरी पावर देखो कितनी थोड़ी रह चुकी है यार, शिट। इतनी देर से खेल रहा हूँ यार, ये ना कि ये पानी। आजा आजा जा, मैं अभी एक सेकंड रुकने वाला नहीं हूँ। ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस। ओए व्हाट हैपिंग, इसका मतलब है मर चुकी है यार। गुड यार, बेहतरीन है यार, आखिरकार हमने वाटर मॉन्स्टर को मार गिराया और ये बहुत बेहतरीन है। मज़ा आया मज़ा। ये लेकिन ब्लड क्यों निकला, मेरा ब्लड क्यों निकला है, और मेरे ख्याल में ये मुंह का ब्लड है और ये बेहोश भी हो चुका है। चलें गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। रेजिडेंट लेवल 4 रीमेक कैसी लगी है, और ये सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।